हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं टेक्नो शुभम। तो भाई, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने से मैं अपने इस चैनल पे एक्टिव नहीं था। कई सारे रीज़न थे जिस वजह से मैं अपने इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पाता था, बट अब मैं पूरा ट्राई करूँगा कि अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूँ अपने इस चैनल पर। तो उस 2 महीने में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि भाई, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में MIUI 12.5 का अपडेट कब आएगा। बात करें रेडमी नोट 9 प्रो की, तो रेडमी नोट 9 प्रो में आपको MIUI 12.5 का अपडेट ऑफिशियली मिल चुका है, बट रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं मिला है। जो लोग बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किए थे, उनको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में MIUI 12.5 का अपडेट मिल चुका है बीटा टेस्टिंग करने के लिए। तो अभी बात करते हैं कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में ऑफिशियली MIUI 12.5 का अपडेट कब तक मिल जाएगा या कब हमें देखने को मिलता है। तो भाई बता दूं, जो ये बीटा टेस्टिंग है, ये बहुत दिनों से चले जा रही है। Xiaomi इसको बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहा है और ये टेस्टिंग करते करते काफ़ी दिन बीत चुके हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब बहुत ही जल्द Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो अब बहुत ही जल्दी, लगभग हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 का अपडेट ऑफिशियली देखने को मिलेगा। आपको कहीं से भी किसी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपडेट शो करेगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, एक बार आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। साथ में भाई, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियो मैं डालता रहूँ। तो वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी आपका फ्रेंड Redmi Note 9 Pro Max यूज़ कर रहा है उसके साथ भी शेयर करिए ताकि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल पाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।